बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। सतगुरु प्रेमियों, इस दुनिया में जो जीव बड़े बड़े काम करते हैं, नए नए आविष्कार करते हैं, नई नई खोजे करते हैं, हम दुनिया वाले उसको बुद्धिमान कहते हैं। जो दुनिया के धंधों में बड़ा चालाक है, बड़ा होशियार है, अच्छी तरह से कार्य करता है, हम कहते हैं कि उसकी बुद्धि बड़ी तेज है। सतगुरु प्रेमियों, दादा गुरुदेव श्री परमहंस दयाल जी महाराज वे फरमाते हैं कि यह सब बुद्धि का एक छोटा सा प्रदर्शन है, एक तुच्छ प्रदर्शन है, लेकिन बुद्धि का घर बहुत दूर है, वह बुद्धि की पहुंच से बहुत दूर है, उसे प्राप्त नहीं कर पाया है। यह तो उस बुद्धि का एक छोटा सा नजारा है। गफलत से जागने के बाद जब तक इंसान को इस दुनिया से संबंधित किसी वस्तु का ख्याल न हो और सिर्फ अपनी हस्ती का ख्याल हो, वह हालत बुद्धि के समान है। अब खुद आप ही जानिए कि जब बुद्धि को समझने में ऐसा भ्रम खाया है तो फिर आत्मा को समझना तो बहुत ही मुश्किल है। तो अब उस मालिक की तो बात ही क्या की जाए। जब इस दुनिया का सबसे बुद्धिमान, सबसे समझदार प्राणी उस बुद्धि को नहीं समझ सका तो हमारी औकात क्या है? कितने वैज्ञानिक हैं जो अपनी बुद्धि के दम पर नई नई खोजें करते हैं, और संत कहते हैं कि वे सब इतना करने वाले भी बुद्धि की पहुंच से बहुत ज्यादा दूर हैं। अब हम तो वैसे ही सोचते हैं कि इसकी बुद्धि तेज है, हमारी कम है, तो हम कैसे उस बुद्धि तक पहुंच पाएंगे? कैसी हमारी बुद्धि है, कैसी उस बुद्धिमान की बुद्धि है? हर किसी की बुद्धि अलग अलग होती है, उसका प्रयोग अलग अलग होता है। संतों ने बताया कि बुद्धि से बात करने वाले बहुत कम हैं। आजकल तो किसी के दिल में जरा सा भी ख्याल आया, उसको अनुभव करने से पहले ही जो जी में आता है उसे कह देते हैं। श्री दयाल जी महाराज फरमाते हैं कि आदमी की तीन तरह की बुद्धि होती है। अब सुनिए वो कौन सी होती है। सबसे पहले होती है तेलिया बुद्धि। तेलिया बुद्धि इस तरह की होती है कि तेल की एक बूंद भी बहुत से पानी में डाल दो तो वह आहिस्ता आहिस्ता फैलकर सारे पानी के ऊपर फैल जाती है,
और तरह तरह के रंग और नक्श पैदा करती है। इसी तरह से तेलिया बुद्धि वाले लोग इशारे में बात को समझ जाते हैं और जरा सी बात सुनकर उनकी बुद्धि ऐसे फैलती है कि उसमें से ऐसे ऐसे विषय और ऐसी बातें विचार कर निकालते हैं कि राई का पहाड़ बनाकर खड़ा कर दें और बात की तह तक पहुंच जाते हैं। यह बुद्धि सबसे उच्च दर्जे की बुद्धि है। सतगुरु प्रेमियों, अब आप जान गए होंगे कि आपकी बुद्धि कैसी है। आप खुद फैसला कर सकते हैं कि मेरी बुद्धि कैसी है। हम इस बात का पता लगा सकते हैं कि हमारी बुद्धि इस प्रकार की है और हमारी बुद्धि होनी इस प्रकार की चाहिए। हमारे अंदर जो बुद्धि है उसमें बदलाव लाने के लिए, उसे उच्च स्तर की बुद्धि बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसका केवल एक ही उपाय है और दूसरा इस दुनिया में कोई रास्ता नहीं है। इसका उपाय केवल यही है कि हमें महापुरुषों की, संत महात्माओं की संगति करनी चाहिए। उनकी संगत से हम जैसे लोहे पारस का साथ होने के कारण सोना बन जाते हैं, मालिक की भक्ति के हकदार बन जाते हैं, मुक्ति के उत्तराधिकारी बन जाते हैं। सतगुरु प्रेमियों, हम जो बात कहते हैं यह ऐसे नहीं है कि हमारे अंदर बात उठी, हमारे अंदर ख्याल आया और हमने मुंह से वह बात निकाल दी। हर चीज के सतर होते हैं। किसी ने किसी प्रकार से हर वस्तु की कोई विधि होती है। हमने यह जीवन पाया ऐसे नहीं कि हम दिन रात काम करते रहे या फिर हम दिन रात सोते रहे, ऐसा नहीं होता। हमारे लिए दिन बने हैं कि दिन में हम काम करें, रात बनी है कि हम आराम करें। हर चीज के लिए एक तरीका होता है, एक विधि होती है। इसी प्रकार हमारी बात करने की भी एक विधि होती है, एक तरीका होता है कि कैसे बात उठती है, कहां को जाती है, कौन उसे अच्छाई और बुराई की तराजू में तोलता है और फिर कैसे हम उस बात को प्रकट करते हैं। किंतु इन छोटी छोटी बातों का भेद संत महात्माओं के अलावा इस दुनिया में कोई दे ही नहीं सकता। हमारे लिए बात छोटी है कि हमारे अंदर ख्याल उठा और बात कह दी, बस इतनी सी बात है। लेकिन संत महात्मा जो इस बुद्धि से परे होते हैं, वे हर चीज की गहराई तक जाते हैं, उसकी तह तक जाते हैं।
वे समझाते हैं कि हमारे घर में जो बिजली आती है ऐसा नहीं है कि सीधे हमारे घर से आई हो या फिर सीधे पानी से हमारे घर उसकी सप्लाई हो गई हो। सबसे पहले पानी से जो बिजली बनती है पावर हाउस में जाती है, पावर हाउस से उससे जितनी मात्रा में आगे पहुंचाना है उसे माप तोल कर आगे ट्रांसफार्म तक वह पहुंचाई जाती है। जितने हिसाब से हमारा खर्च होता है, जितनी बिजली की हमें आवश्यकता है, जितनी हमारे बल्ब, जितनी हमारे टीवी रेडियो उसे सहन कर सकते हैं, उसे कंट्रोल करके हमारे घर तक पहुंचाया जाता है। यह विधि जब एक सांसारिक वस्तु को प्रयोग में लाने में की जाती है तो मालिक की दी हुई चीजों में क्यों ऐसी विधि नहीं होगी। तो सतगुरु प्रेमियों, दयाल जी महाराज कहते हैं कि हमारे अंतःकरण में जो बात आती है सबसे पहले वह अंतःकरण से उठती है। हमारे अंतःकरण में चार आदमी हैं, चार लोगों की सभा है, चार वस्तुएं हैं, या फिर ये कहिए कि एक आदमी के हाथों चार तरह के कर्म हैं। वे चार आदमी, एक आदमी किसी बात को या किसी काम को पेश करता है, दूसरा उस पर ख्याल करके उसको मजबूती देता है, उसे पुख्ता करता है, और तीसरा उसके ऊंच नीच को सोचकर अपनी राय देता है, फिर चौथा उसे मंजूर करता है। यही विधि हमारी बात करने के तरीके में है, यही हर किसी के अंतःकरण में है, हर किसी के साथ यही विधि है। सबसे पहले हमारे मन से प्रेरणा होती है, हमारे मन से बात उठती है, वो ख्याल उठता है, फिर हमारे चित में उस बात पर विचार किया जाता है और फिर पूर्णता दी जाती है, उसके बारे में राय दी जाती है। मन से उठकर चित में जाकर फिर वह बात हमारी बुद्धि में जाती है। बुद्धि में इस बात पर विचार होता है कि वह सही है या गलत है, इसके बारे में उस पर राय दी जाती है। मन, चित्त और बुद्धि से पार होकर वह बात हमारे अहंकार में आती है। अहंकार फिर उस पर विचार करता है कि इससे हमारी इज्जत होगी या बेइज्जती होगी। इस बात को सोचकर, ऊंच नीच के बारे में सोचकर फिर उस बात को कबूल कर लेता है, फिर उस बात को आगे पेश किया जाता है। इस विधि के परिणाम का नाम वृत्ति है, फितरत है, यानी कि अंतःकरण जिसको पेश करके, उस पर ख्याल करके, उसे सोचकर और उसे मानकर जो कायम करता है वही वृत्ति बनकर जाहिर आती है, वही हमारी सोच बनकर सामने प्रकट होती है।
उसके प्रकट करने का जरिया वाणी है, अर्थात हमारा बोलना है। अब वाणी भी चार प्रकार की होती है, एक परा, दूसरी पश्यंती, तीसरी मध्यमा और चौथी बेखरी। चार प्रकार की वाणी हम बोलते हैं। सबसे पहले आती है परावाणी। परावाणी नाभि में रहती है और वहां से हुक्म लेकर चलती है तो हृदय में आकर ठहरती है। नाभि से चली और हमारे हृदय में आकर रुकती है। हृदय में वहां पर पशुचंती का रूप धारण करके आगे वह बात गले तक आती है। गले में उसे मध्यमा कहते हैं। गले से होकर वह हमारे मुंह तक आती है, फिर वहां बेखरी होकर बाहर निकलती है। उस वक्त अंतःकरण के हुक्म का प्रकटीकरण होता है। जो हमारे अंदर बात होती है तब वह बात प्रकट होती है। हम चार प्रकार से विचार कर उस बात को बाहर निकालते हैं और चार प्रकार के तरीकों से निकालते हैं। पहले मन में विचार कर मन से बात उठेगी, मन से फिर वह चित्त में जाएगी, चित्त में जाकर वह बुद्धि में जाएगी, उस पर विचार होगा, फिर हमारे अहंकार के जरिए उस बात को छानकर फिर वह बात हमारे अंतःकरण से प्रकट होती है। इसी प्रकार हमारी बात नाभि से चलती है, हृदय में जाकर रुकती है, हृदय से गले में आती है, गले से बाहर मुख के द्वारा वाणी के जरिए निकलती है। जैसे आगरा से पेशावर को तार दिया जाता है, कोई डाक भेजी जाती है तो दिल्ली, लाहौर अनेक जगहों पर ठहर कर वहां से आता है, किंतु वह वहां पर गुप्त होता है, उसका भेद किसी को पता नहीं होता। किंतु जैसे ही आगरा से पेशावर आने वाला तार पेशावर में जिसके नाम होता है उसे मिल जाता है तो उस तार का सारा हाल रोशन हो जाता है। उस डाक का, उस चिट्ठी का पता सबको लग जाता है, वह भेद खुल जाता है। इसी प्रकार हर एक मानव की चार अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय। उनमें हर एक में अंतःकरण विद्यमान होता है। जिस हालत में उसका कयाम ज्यादा होता है वही हालत उस जीव की कही जाती है, यानी जिसके अंतःकरण का दृढ़ अभ्यास जागृत में होता है उसकी अवस्था जागृत मानी जाती है। अगर स्वप्न में ज्यादा होता है तो स्वप्न अवस्था कही जाती है। जिसके अंतःकरण का कयाम सुषुप्ति में ज्यादा होता है वह सुषुप्त अवस्था कही जाती है, और जिसकी स्थिति तुरीय में ज्यादा हो तो उसे तुरीय अवस्था कहते हैं। सतगुरु प्रेमियों, ये गहरी बातें हैं, गूढ़ ज्ञान है। ये वो बातें हैं जिनसे हम अनभिज्ञ हैं, जिन्हें हम जान नहीं पा रहे।
हम सोचते हैं कि हमारा यह शरीर ही सब कुछ है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। संत कहते हैं कि प्रेमियों, आप जितना सोच सकते हैं, जितना समझ सकते हैं, आप बेशक दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को लीजिए, आप मान के चलिए कि आज तक इस दुनिया का सबसे बुद्धिमान अल्बर्ट आइंस्टीन के नाम पर है, किंतु याद रखे कि वह अल्बर्ट आइंस्टीन इतना ही सोच सकता है जो माया के अंदर है। माया के उस पार तो वह भी नहीं सोच सकता। तो हम तो कहते हैं कि हमारी बुद्धि से तो वह बहुत ज्यादा तेज है। सतगुरु प्रेमियों, इस माया रूपी धुएं ने हमारे ज्ञान की अग्नि को ढांप रखा है। जब तक हम भजन नहीं करेंगे, जब तक हम गुरु महाराज द्वारा बताए गए रास्ते पर नहीं चलेंगे, हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। ज्ञान का मतलब क्या है? हम औरों की बातें करते हैं, हमें अपना ही नहीं पता। हम अपने बारे में नहीं जानते। जब हमें अपने बारे में पता चल जाता है कि हम क्या है, हमारा दर्शन हो जाता है, आत्म साक्षात्कार हो जाता है, वही ज्ञान है। पढ़ लिख कर बड़ी से बड़ी डिग्री हासिल कर ले, एक नहीं, दो नहीं, आप हजारों डिग्रियां इकट्ठी कर ले, इस दुनिया के ऊंचे से ऊंचे पद पर जाकर बैठ जाइए, आप अनपढ़ के अनपढ़ हैं। जब तक उस मालिक का भजन नहीं करेंगे, उस मालिक की प्राप्ति नहीं करेंगे, तब तक आप अनपढ़ हैं। जितना मर्जी कोशिश कर ले, आपको सही गलत का ही नहीं पता। हम दूसरों के फैसले क्या करेंगे, हम अपना फैसला नहीं कर पा रहे। और ज्यादातर लोगों को तो यही नहीं पता कि हमारा जन्म ही क्यों हुआ है, हम इस दुनिया में क्यों आए हैं। उस मालिक को नहीं मानते। हमारा यह सत्संग उस मालिक को मानने वालों के लिए है, उस सतगुरु की भक्ति करने वालों के लिए है। नास्तिकों के लिए यह नहीं है। अगर उनको बुरा लगे, उनको गलत लगे, तो कृपा करके हमें माफ कर दे, हमारी बात को न माने, सतगुरु महाराज के इन बताए गए उपदेशों को न माने, इसी में उसका और हमारा कल्याण है। किसी पर कोई दबाव नहीं है कि ये जो बातें हैं इनको माने, इन पर तर्क वितर्क करे। हम जो बताते हैं वो संतों के बताए प्रवचन है, उनके दिए गए सत्संग है। अगर किसी का दिल करे, किसी को अच्छी लगे, तो इन बातों को मान सकता है, नहीं तो फालतू की बातें मानकर उनको छोड़ दे। तो सतगुरु प्रेमियों, अगर ज्ञान की प्राप्ति करनी है, सच्चाई का पता लगाना है, हम नाम दान
सतगुरु से ही क्यों लेते हैं? वह किताबों में भी लिखा है। इसके सही मायने में अर्थ ये है कि किताबें हमें चौरासी की ओर भेजती है, हमें झूठ बताती है, सतगुरु हमें सच्चाई दिखाते हैं, सतगुरु हमारे भ्रम को मिटाते हैं, वे हमें सत और असत के बारे में ज्ञान कराते हैं। तो सतगुरु प्रेमियों, ज्यादा से ज्यादा उस मालिक के बताए गए रास्ते पर चलें, उसका भजन करें। जैसे हम दिन रात दुनिया के काम करते हैं, उस मालिक के भजन को भी अपना करते हुए समझकर हर रोज थोड़ा थोड़ा जरूर करें। अगर आप दुनिया के किसी रिश्तेदार के साथ लगातार पूरी जिंदगी उसका साथ देते हैं किंतु वह फिर भी खुश नहीं होता, उसकी आपके खिलाफ शिकायतें रहती हैं और आपको गलत ठहरा देता है, आपके बारे में तरह तरह की बातें करता है, किंतु उस मालिक की मेहर देखिए, वह कितना दयालु है। अगर आप उसे हर रोज 5 मिनट भी देंगे, 10 मिनट भी देंगे, वह आपको इतनी बख्शीश देता है, आप पर कृपा हमेशा बनाए रखता है, आपको रूहानियत के खजाने देता है, भक्ति के भंडार देता है। क्या हम उसके लिए वह 10 मिनट भी नहीं निकाल सकते? सतगुरु प्रेमियों, कैसा लगा आपको आज का सत्संग? अच्छा लगा तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, श्री सतगुरुदेव भगवान की जय।